आदित्य ठाकरे ने ली सोनिया गांधी के नाम पर शपथ, ये बाला साहेब की शिवसेना नहीं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार ने मुंबई के हयात होटल में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर शपथ लेने को लेकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के वाद्रा पश्चिम से विधायक आशीष शेलार ने कहा कि आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी के नाम पर शपथ ली है, ये बाला साहेब की शिवसेना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि वो शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी 162 विधायकों का दावा करते हैं, लेकिन क्या यहाँ 145 विधायक भी मौजूद थे या नहीं। उन्होंने कहा कि ये फोटो परेड चुने हुए विधायकों का अपमान है। परेड आरोपियों की पहचान के लिए कराई जाती है और आज शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को कटघरे में आरोपी की तरह खड़ा कर उनकी पहचान कराई, ये उनका अपमान था। महाराष्ट्र की जनता ये सब नाटक देख रही है। बता कि सोमवार को मुंबई के हयात होटल में एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना ने अपने विधायकों की परेड कराई। तीनों ही पार्टियों ने 162 विधायकों के होने का दावा किया। इस दौरान शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी में 162 विधायकों के एकजुटता की शपथ ली। विधायकों को तीन पार्टियों के अध्यक्ष का नाम लेकर बदनीयती से कोई काम नहीं करने, भाजपा का समर्थन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज नारे भी लगे। इसी दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हॉल में मौजूद तीनों ही पार्टियों के नेताओं को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हम पिछले 25 और 30 सालों से आपके साथ थे, तब भी आप नहीं समझ पाएंगे, अब हम बताएंगे शिवसेना क्या चीज है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 5 साल सरकार बनाने के लिए नहीं, लंबे समय तक चलने के लिए साथ आए हैं।